आखिर क्या कारण है कि 7 बार से लगातार निर्वाचित रह चुके अजय सिंह राहुल भैया इस बार लोकसभा से दूरी बना रहे हैं। अजय सिंह राहुल भैया की बात करें तो बिंद के ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के गद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। अजय सिंह राहुल भैया की बिंद की राजनीति में काफी अहम भूमिका है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कुमार अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह राहुल भैया का राजनीतिक कैरियर वर्ष 1985 से शुरू हुआ था। बात उस दौर की है जब 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 251 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के जीते हुए विधायकों में 200 से ज़्यादा नए चेहरे थे, उन्हें अर्जुन सिंह ने टिकट दिलाया था। साल 1985 के विधानसभा चुनाव के बाद अर्जुन सिंह का दोबारा मुख्यमंत्री बनना लगभग तय था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें राज्यपाल बनाकर पंजाब भेज देते हैं। राजीव गांधी ने यह फैसला क्यों लिया, अर्जुन सिंह ने इसे क्यों मान लिया, इसको लेकर आज भी कयास ही लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि साल 1980 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अर्जुन सिंह को यह कुर्सी संजय गांधी के समर्थन से मिली थी। कुमार अर्जुन सिंह अपने पहले चुनाव में उस समय की सर्वशक्तिमान पार्टी कांग्रेस को ठसक दिखाने वाले मध्य प्रदेश के दाऊ साहब साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजे एक इशारे पर मुख्यमंत्री पद को छोड़कर राज्यपाल बन गए थे। हालांकि 1980 से 1985 तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अर्जुन सिंह कई बार विवादों में आए। विपक्ष के साथ साठगांठ से लेकर चुरहट लाटरी कांड से संबंधित तमाम आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं, लेकिन हर बार बेदाग बच निकलने में सफल होते रहे हैं। कहा जाता है कि उस समय विपक्ष के नेता रहे सुंदरलाल पटवा उनके अच्छे दोस्त थे और दोनों के बीच गोपनीय समझौता था, लेकिन पटवा ने भी 1980-1985 के बीच कई बार विधानसभा में अर्जुन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश कर चुके थे। वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव के बाद राजीव गांधी ने उन्हें पंजाब का गवर्नर बना दिया था। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अर्जुन सिंह से उनके पसंदीदा नाम पूछे गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन सिंह ने अपने बेटे अजय सिंह राहुल को भोपाल में फोन करके कहा कि वो मोतीलाल बोरा को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाए। जिस हवाई जहाज से अर्जुन सिंह दिल्ली गए थे उसी को दोबारा वापस भोपाल भेजा गया और अर्जुन सिंह के साथ बोरा इस हवाई जहाज में सवार होकर दिल्ली आए। दिल्ली पहुंचने पर बोरा की मुलाकात राजीव गांधी से हुई और मोतीलाल बोरा मध्य प्रदेश के अगले नए मुख्यमंत्री बन गए। इस बीच लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में उठापटक का दौर जारी रहा। इसी बीच मध्य प्रदेश के चुरहट विधानसभा से साल 1985 में पहली बार अजय सिंह राहुल भैया विधायक बनते हैं। चूंकि इस सीट से विधायक रहे अर्जुन सिंह को गवर्नर बना दिया गया था तो चुरहट विधानसभा खाली होती है और अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह यहां से चुनाव लड़ते हैं और भारी बहुमतों से जीत हासिल करते हैं। इसके बाद साल 1990, 1998, 2003, 2008, 2013 में भी विधायक चुने गए। इस तरह अजय सिंह 6 बार लगातार विधायक रहे और 1 बार मंत्री और 2 बार नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। लेकिन 2018 में अजय सिंह राहुल भैया भाजपा से विधानसभा चुनाव हार गए। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल भैया जोरों से लगे रहे, लेकिन यहां भी राहुल भैया को शिकस्त ही मिली और 2019 में भी सीधी से लोकसभा चुनाव हार गए। इसके पहले भी राहुल भैया 2014 में सतना लोकसभा सीट से बतौर सांसद प्रत्याशी मैदान में उतर चुके थे, लेकिन तब भी भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह से महज 6000 वोटों से चुनाव हार गए थे। हालांकि इस बार अजय सिंह चुरहट विधानसभा में 5 साल जनता के साथ रहे, जिसके कारण यहां फिर से भाजपा को हराकर एक तरफा जीत अजय सिंह राहुल भैया ने हासिल किए। लेकिन राहुल भैया यह भी जानते हैं कि लोकसभा लड़ना और जीतना टेढ़ी खीर है। राहुल भैया ये भी बात बखूबी जानते हैं कि इस बार भी मोदी लहर के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। राहुल भैया ही नहीं बल्कि सभी दिग्गज नेता जानते हैं कि कांग्रेस के लिए ये समय 7.5 से
कम नहीं है। इसलिए एक तरफ दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस में बचे नेता कांग्रेस का लोकसभा टिकट भी नहीं थामना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मृत्युंजय मिश्रा कश्यप, जय हिंद जय भारत।